नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक में आपका फिर स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत बेहतरीन नुस्खा, और यह नुस्खा हम लाए साउथ से। अभी हम साउथ गए थे, वहाँ पर रामेश्वरम और कन्याकुमारी और वो पूरा बेल्ट को घूमने के लिए। तो वहाँ हमने एक चीज़ को वॉच करा, वह चीज़ आपके लिए हम लाए हैं नुस्खे के रूप में। हमने देखा कि साउथ के अपने साथियों के चेहरे पे रिंकल्स कम होते हैं, उनकी स्किन क्वालिटी हमें अपने नॉर्थ इंडियन से ज़्यादा अच्छी लगी। तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्यों है। 12 दिन का टूर था, लंबा टूर था। जब 12 दिन आप घूम रहे हैं, मतलब ऐसा घूम रहे हैं कि मदुरई एक दिन, मदुरई एक दिन, चेन्नई, आप एक एक दिन पूरे पूरे साउथ के हर शहर में जा रहे हैं, जो स्पिरिचुअल जगह हैं वहाँ पे जा रहे हैं, जो घूमने वाली जगह हैं उनमें जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं। तो हमने जानने की ये कोशिश करी कि ये साउथ के लोगों में रिंकल्स कम क्यों दिख रहे हैं। बहुत से बिंदुओं को हमने एनालाइज करा, बहुत सारे बिंदुओं को हमने देखा कि किन बिंदुओं के कारण ये चीज़ हो सकती है। वहाँ के लोग स्पिरिचुअल होते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा मैनर्स वाले होते हैं, वहाँ के लोग उनका खान पान भी, ये जो खान पान है इसी पे आके बात अटक गई। क्योंकि नॉर्मली ये माना जाता है आपकी स्किन, आप जो जैसा खाते हैं और जैसा आप पीते हैं, जैसा सोचते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है। तो सोच तो मैं किसी की नहीं सोच सकता, साउथ के लोग निश्चित रूप से जो मैं कहूँगा आर्यंस वास्तविक हिंदुस्तान, वास्तविक हिंदूज हैं, सही मायने में हिंदूज हैं, तो जो हिस्ट्री हिंदुस्तान की बताती है। तो मैंने देखा कि उनके जो चेहरे पे झुर्रियाँ बिल्कुल कम, तो मैं उनके खाने पे मेरी बात रुक गई, उनके भोजन पे मेरी बात रुक गई। और भोजन में भाई आप चीज़ें खाने में रोज़ बदल देते हैं, फिर हमने सोचा ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल कॉमन चल रही है, और हम आखिर में इस निष्कर्ष पे पहुँचे जो बिल्कुल कॉमन चीज़ चल रही है वही इनके रिंकल्स ना पड़ने का या कम पड़ने का या लेट पड़ने का राज है। और यह राज हम आपके सामने अपने विचार के रूप में शेयर करना चाहते हैं। और बाद में हमने इसके बारे में और पढ़ा, तो इस नुस्खे को हमने बहुत पावरफुल नुस्खा पढ़ाया जो कि आज से 3000 साल पहले की किताबों में भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको चेहरे को झुर्रियों से बचाना है या झुर्रियाँ हैं तो उनको हटाना है, तो पेश है आपके सामने ये नुस्खा, पावरफुल नुस्खा। और यह नुस्खा भी 1 रुपये से कम है, बात बहुत छोटी सी है। आपको अगर रिंकल्स से बचना है या हुई रिंकल्स को, झुर्रियों को ख़त्म करना है चेहरे की, तो आपको नारियल का तेल लगाना है। जो नारियल का तेल होता है यह रिंकल्स को दूर करने का, रिंकल्स को डिले करने का अपने जीवन में एंटी एजिंग के रूप में, और हुई रिंकल्स को ख़त्म करने का सबसे कारगर नुस्खा है। अगर आप नारियल का तेल लगाते हैं, और खाना बनाने में भी अगर आप नारियल के तेल का यूज़ करते हैं या नारियल की चटनी खाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए स्किन का टॉनिक है। आपका जो कोलाजेन प्रोटीन होता है आपकी स्किन में, यह उन झुर्रियों को ख़त्म कर देगा, कोलाजेन को बाइंड कर देगा अच्छे से। और जब कोलाजेन प्रोटीन आपका बाइंड हो जाएगा तो फिर आपके झुर्रियाँ पड़ेंगी ही नहीं। अब पढ़ेंगी जब 70 साल पे, तब पढ़ेंगी, वो तो सभी के पढ़नी है, लेकिन असमय नहीं पढ़ेंगी, और समय है तो वो चली जाएंगी। तो अगर आपको झुर्रियों को ख़त्म करना है, आप 1 महीना चेहरे पे नारियल तेल लगाइए। नारियल का तेल आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपके स्किन को मॉइस्ट रखेगा, सॉफ्ट रखेगा, डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, और आपके चेहरे की झुर्रियाँ गायब करेगा। आप इसको 1 महीना करिए और फिर कमेंट पोर्शन में लिख के हमको और औरों को बताइए कि नुस्खा कारगर है कि नहीं। आपकी जानकारी से सब लाभ पाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। नेगेटिव होगी तो लोग इसको करने में समय बर्बाद ना करें, और पॉजिटिव है जो कि हम देख चुके हैं अपने क्लिनिक पे, पूरे साउथ इंडिया को हम देख चुके हैं, तो यह आपको लाभ देगी। अगर साथियों आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ये छोटी सी बात
इस गरीब की ये छोटी सी बात हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके, आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यहीं पाते रहिएगा। आपका साथी और इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए और इस वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।